पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली और साथ ही सीएम कमलनाथ का पुतला भी फूंका, लेकिन इस दौरान पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच झूमाझटकी भी हो गई। देखे ये खास रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में 5% वैट बढ़ोतरी करने के बाद मध्य प्रदेश में इनके दाम बाकी राज्यों के औसत दाम से भी ज्यादा हो गए, लिहाजा इसे लेकर भाजपा दूसरे ही दिन सड़कों पर उतर आई। इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा ने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर पेट्रोल डीजल में महंगाई का विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप तख्तियां हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं सीएम कमलनाथ का पुतला दहन करने के दौरान पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार और युवा मोर्चा नेता धीरज ठाकुर ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जन विरोधी सरकार, कमलनाथ की जन विरोधी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5% वेट में वृद्धि करते हुए करीब 3.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर महंगा हुआ है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे महंगा तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश की जनता खरीद रही है और सीधे सीधे मध्य प्रदेश की जनता की जेब पर वार किया है। पहले 10 रुपये 10 पैसे 20 पैसे अगर पेट्रोल या डीजल पर मूल्य वृद्धि होती थी, केंद्र सरकार करती थी, तो ये बड़ा हाहाकार मचाते थे। अब सीधे 3.5 रुपये प्रति लीटर, ये मतलब किस तरह की मतलब ओछी राजनीति है। ये सीधे सीधे मतलब जो है आम जनता से दुश्मनी ले रहे हैं कमलनाथ पूरी तरह से जन विरोधी सरकार है। प्रत्येक वर्ग आज कहीं ना कहीं इस सरकार से त्रस्त है, वो चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, आज कमलनाथ की सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल है। और जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल और डीजल की वृद्धि की है, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर शहर में एक प्रभावी आंदोलन हमने करा है और आने वाले समय में आप देखेंगे सड़क पर संघर्ष हमारा पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर के जारी रहेगा। कमलनाथ सरकार का हमने यहाँ पर पुतला जलाया और यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन हमने बैलगाड़ी जो पुराने जमाने में प्रचलन में थी, जब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन नहीं रहते थे, मुझे लगता है कमलनाथ की इस कांग्रेस सरकार में वापस ये बैलगाड़ी और टांगे वापस चलन में आएंगे। आप आने वाले समय में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राजबाड़े पर विशाल विरोध प्रदर्शन करा गया, जिसमें बैलगाड़ी पर बाइक रखी और पीछे क्रेटा बांध के जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है कमलनाथ सरकार के खिलाफ आज आक्रोशित धरना प्रदर्शन किया गया है। कुल मिलाकर 15 साल बाद ये पहला मौका है जब विपक्ष के रूप में पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर भाजपा सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MB News, इंदौर।